write it too. Read and write it too. Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. Aao, Angrezi seekhe. Part 8. मैं सुनीता दीक्षित. हम सबके कई दोस्त होते हैं ना, जैसे तुम्हारा माधवन भैया मेरे बेटे राहुल का दोस्त है. तो आज रंजना और संतोष अपने दोस्तों के बारे में बातें करेंगे. ओ संतोष, जरा धीरे, क्या बजा रहा है तू? I learn English. कैसे नहीं लग रहा, एकदम बेसुरा. पी पांग पी पांग. ओ गुड, नाइस. हूज फ्लूट इज दिस? मेरा दोस्त मेले से लाया है. माय फ्रेंड बांसुरी. ओ योर फ्रेंड, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? अनवर. पर पूरा वाक्य कैसे बोलू सुनीता दीदी? उसका नाम अनवर है, ये कैसे बोलू? ऐसे बोल, His name is Anwar. His name is Anwar. How old is he? अरे अनवर की उम्र पूछ रहा है, वो कितने साल का है? How old is he? He is 12. I am 11. He is 12. Good. माधवन भैया मुझसे भी पूछो ना, तुम तो सिर्फ संतोष से ही बात कर रहे हो. माय फ्रेंड. ओके ओके, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? हिज नेम इज मंगला. नो नो नो, नॉट ही. हिज नेम सही नहीं है. वैसे हिज नेम इज मंगला का भी मतलब उसका नाम मंगला है, यही होता है. लेकिन मंगला लड़की है ना, इसीलिए हिज नहीं हर इस्तेमाल करते हैं. हर नेम इज मंगला बोलेंगे. हर नेम इज मंगला. हाउ ओल्ड इज मंगला? ही इज 11. नो नॉट ही, से शी. शी इज 11. लड़के को ही बोलते हैं और लड़की को शी. शी इज 11. आई एम 10. शी इज 11. माधवन, टेल देम अबाउट योर फ्रेंड्स, दैट फ्रेंड इन दुबई. यस, माई फ्रेंड, हिज नेम इज जोसेफ. ही लिव्स इन दुबई. ही इज अ फैक्ट्री वर्कर. एंड द अदर फ्रेंड, दैट फ्रेंड हु प्लेज क्रिकेट. वो तुम्हें अपने एक और दोस्त के बारे में बताएगा जो क्रिकेट खेलता है. यस, हिज नेम इज फिरोज. ही लिव्स इन चेन्नई. ही इज अ स्टूडेंट. स्टूडेंट मतलब? स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी. हाँ, आई एम अ स्टूडेंट. संतोष इज अ स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट. शी इज अ स्टूडेंट. राइट, गुड. सुनीता दीदी अपनी सहेली के बारे में बताइए ना, वे अमेरिका वाली. हाँ हाँ, हर नेम इज कुमुद. शी इज अ डॉक्टर. शी लिव्स इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क? वो तो अमेरिका में रहती है ना? हाँ भाई हाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है. संतोष प्लीज अमेरिका जाके बजा अपनी बांसुरी. ओके. ए रुक 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 रुक, तुम दोनों को अभ्यास नहीं करना है क्या? आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं. अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे. टेल मी अबाउट योर फ्रेंड. What is his name? His name is Ranjit.
How old is he? He is 25. Where does he live? He lives in Umaria. What is your friend's name? Her name is Suman. How old is she? She is 44. Where does she live? She lives in Bhopal. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप जहां भी हों, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। अभी तक तुमने अपने बारे में अंग्रेजी में बहुत कुछ बोलना सीख लिया है और अंग्रेजी में परिवार के सदस्यों के बारे में भी बताना सीख गए हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज अभ्यास करेंगे कि कैसे अंग्रेजी में अपने दोस्तों या सहेलियों के बारे में बात करें। फ्रेंड यानी मित्र, दोस्त या सहेली। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, मतलब तुम अपने मित्र के बारे में कुछ बताओ। पहले मैं लड़कियों से उनकी सहेलियों के बारे में पूछूंगी, और यदि कक्षा में लड़कियां ना भी हों तब भी तुम सब ध्यान से सुनना। औरत या लड़की के बारे में हर और शी शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये ध्यान रखना। कक्षा में अगर लड़कियां हैं तो घंटी बजने पर टीचर जी जिस लड़की से कहें वो खड़ी हो जाए। एक लड़की खड़ी हुई ना, अब तुम अपनी सहेली के बारे में अंग्रेजी में बताओ। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड। पहले मैं उसका नाम पूछूंगी। व्हाट इज हर नेम? Her name is, ऐसे ही शुरू किया ना। अब ये प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। अपनी सहेली के बारे में बताना है। How old is she? She is 10। या फिर सहेली की जो भी उम्र है वो। ऐसे ही उत्तर दिया ना तुमने। अब इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दो। वेयर डज शी लिव? शी लिव्स इन। इसी तरह उत्तर देना शुरू किया ना। गुड। अब और कौन बताएगा अपनी सहेली के बारे में? घंटी बजने पर टीचर जी जिसे कहें वही लड़की खड़ी होगी। एक लड़की खड़ी हुई ना, अब तुम अपनी सहेली के बारे में अंग्रेजी में बताओ। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड। व्हाट इज हर नेम? Her name is, ऐसे ही शुरू किया ना। अब ये प्रश्न सुनो
और अंग्रेजी में उत्तर दो। अपनी सहेली के बारे में बताना है। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 10, या फिर सहेली की जो भी उम्र है वो। ऐसे ही उत्तर दिया ना तुमने। अब इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दो। वेयर डज शी लिव? शी लिव्स इन। इसी तरह उत्तर देना शुरू किया ना। गुड। अब कक्षा में लड़के हैं तो एक लड़का खड़ा होगा और अपने दोस्त के बारे में बताएगा। याद है ना कि पुरुष या लड़के के बारे में बोलते वक्त हम लोग ही हिज जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। घंटी बजने पर टीचर जी जिस लड़के को कहें वो खड़ा हो जाए। कोई एक लड़का खड़ा हुआ। अच्छा, अब तुम अपने दोस्त के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड। वॉट इज हिज नेम? अब वही लड़का अपने दोस्त के बारे में अंग्रेजी में उत्तर दे। हाउ ओल्ड इज ही? अब अपने दोस्त के बारे में अंग्रेजी में इस प्रश्न का उत्तर दो। वेयर डज ही लिव? ही लिव्स इन। इसी तरह उत्तर देना शुरू किया ना। अभी जिस ढंग से कुछ बच्चों ने अभ्यास किया, टीचर जी ठीक वैसे ही दूसरे बच्चों से भी अभ्यास कराएंगे। ठीक है, टीचर जी अलग अलग बच्चों से उनके दोस्त या सहेली के बारे में प्रश्न पूछेंगे। अगले 15 मिनट तक टीचर जी इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब